पर आसीन इस प्रभासी क्या बोलेंगे इसको आभासी मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम और बड़े ही विश्वास के साथ जब ओम जी हमें काम सौंप देते हैं तो हमारी भूमिका दोहरी हो जाती है कि पटल पर हम जो भी बोले पूरे क्या बोलते हैं ईमानदारी के साथ पढ़कर जब तक प्रस्तुति नहीं कर लेते हैं तब तक मन को चैन शांति नहीं मिल पाती है। तो क्योंकि मेरे पीएचडी का विषय था सूरदास और तुलसीदास तो मैंने बड़े धड़ल्ले के साथ तो कह दिया ओम जी से कि मैं प्रस्तुतिकरण करूंगी, मगर अभी मैं क्या बोलते हैं सच्चाई ईमानदारी के साथ मैं कहूँ तो सूरद सागर पुनः एक बार पढ़ना मुझे लगता है बहुत बड़ा कार्य है सर। और जैसे उस दिन मधु जी बता रही थी वैसे सूर सागर उस टाइम तो मैं खैर यूनिवर्सिटी में थी तो वहां से ले लिया पढ़ लिया हो गया, मगर अभी जब मैं खरीदने के लिए गई तो मुझे सूरदास के प्रति हमारे हैदराबाद में तो कहीं भी नहीं मिली। और मिली तो एक किताब सूर सागर सटीक जो है वो मिली, वो भी है डॉक्टर देवेंद्र आर्य और डॉक्टर सुरेश अग्रवाल द्वारा लिखी गई। तो उसी को उसी में से थोड़ा सा और फिर इंटरनेट खैर है ही हमारे पास तो उनसे लेकर मैंने जो थोड़ा अपना प्रेजेंटेशन बनाया है उसे मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। और जहां तक संभव हो सका है मैंने इसमें पीपीटी प्रेजेंटेशन मोड में इसको मैं कर रही हूँ। तो ज्यादा ने बताया गहरी पैंट तो नहीं लगा पाऊंगी मैं, परंतु अवश्य इसकी जानकारी मैं आपको दे पाऊंगी ऐसा मेरा विश्वास है। तो सूरदास का सूर सागर जिसमें ये कहीं बीच में आ रहा है ना, इसको ऐसा कर देती हूँ। तो सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वे ईसवी सन के हिसाब से देखा जाए तो 1478 1478 से लेकर उनका जन्मकाल 1583 और संवत के हिसाब से कुछ और अंक दिए गए हैं 1540 और 1620। तो वैसे बहुत से मतभेद हैं इनके जीवन काल के बारे में तो इस विषय को यहाँ पर छोड़कर जो भी क्या कहते हैं विषय या सामग्री मैं जुटा पाई हूँ वो अपने 84 वैष्णवन की वार्ता के हिसाब से मिश्र बंधुओं के अनुसार जो भी बातें यहाँ वहाँ से मैं संजो पाई हूँ उसके अनुसार ये बातें मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। तो सूरदास जो है वो भक्ति काल के सगुण धारा के और कृष्ण काव्य के सदस्य हैं। पुष्टि मार्ग जो जिसके 8 कवि जिनको हम अष्ट छाप के नाम से जानते हैं प्रसिद्ध हैं। आचार्य वल्लभ की शिष्य परंपरा के ये कवि हैं जिनका संबंध अष्ट छाप से है। आचार्य वल्लभ ने सन 1565 में पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। इनके 4 शिष्य मोहनदास सूरदास परमानंद कृष्णदास एवं आचार्य वल्लभ के बेटे गोस्वामी विठलनाथ थे गोविंद स्वामी चीतस्वामी नंददास और चतुर्भुजदास। ये 8 कवि अष्ट छाप या अष्ट सखा के नाम से जाने जाते थे और इन्होंने कृष्ण की लीला का गान किया और अपनी रचनाओं से लोगों के मन में एक अमिट छाप अंकित की। और सूरदास ने सूर सागर की रचना ब्रज भाषा में की। हमारा जरा आज नेट भी बहुत स्लो है। सूर सागर के बारे में यदि विशेष रूप से कहा जाए तो सूर सागर में लगभग 1,00,000 पद थे ऐसा माना जाता है।
परंतु नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित सूरसागर में केवल 36 पद संकलित है। इसे द्वादश स्कंदात्मक ग्रंथ भी कहा जाता है, जिसमें विनय, भक्ति, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, राधा कृष्ण, मथुरा गमन की बात, उद्धव संदेश, द्वारिका चरित्र, रामचरित मुख्य है और वात्सल्य रस प्रधान इस काव्य को हम मानते हैं, जिसमें शांता भक्ति, सख्य भक्ति, मधुरा भक्ति और प्रेमा भक्ति के पद विद्यमान है। इसमें नंद बाबा, यशोदा, गोपियों का बालक कृष्ण के प्रति प्रेम, आकर्षण, खीज, व्यंग, उपालंब का भी वर्णन हमें मिलता रहता है। ने अपने सूर सारावली जो है वह ग्रंथ, जिसमें उन्होंने अपने बारे में बहुत सी बातें बताई हैं, वे कहते हैं कि मधुरा प्रांत विप्र कर गेहा, भो उत्पन्न भक्त हरिनेहा, कटे भक्त शिरोमणि राय, माधव शुक्ला ऊपर छट अधिकाय। सूरदास के, जैसे उनको हम सूरदास के रूप में हम ज्यादा जानते हैं, परंतु उनके अलग नाम है सूरजदास, सूर और सूर श्याम। और साहित्य लहरी के, जैसे मैंने आपको बताया कि साहित्य लहरी के 118वें पद के आधार पर इनको चंदबरदाई के वंशज कहा जाता है और सूरदास के पिताजी रामचंद्र, जिनको रामदास के नाम से भी जाना जाता है, और इनको सारस्वत ब्राह्मण स्वीकार किया है। सूरदास कहते हैं कि इनके बारे में इनके जन्मांध होने की बात कहा जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि वे बाद में अंधे हुए हैं, तो सत्य चाहे जो कुछ भी हो, उनके बारे में यह पद बहुत ही मशहूर है, जन्म अंध दृग ज्योति विहीना, सूरदास तो बहुत ठुरता, नैनन हू की हानि। का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है, जिसमें ये बहुत ही प्रसिद्ध का पद है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अगर इसको, जैसे शुरुआत में मैंने कहा, यह 12 स्कंदों का जो है वह काव्य है, जिसमें मैंने ये देखा है कि जैसे हमारे भागवत की रचना में कहा जाए तो अनेक कहानियों में कहानियां बताते हुए एक बहुत बड़े संकलन को हमारे सामने रखा जाता है, वैसे ही सूर सागर का जो काव्य है वह स्कंदों में विभक्त है और प्रत्येक स्कंद के जितने भी कहानियां हैं उन सबको यहाँ पे संक्षेप में मैंने रखने का प्रयास किया है। तो प्रथम स्कंद में आप देखेंगे कि वे भक्ति की सरस व्याख्या हुई है, भागवत निर्माण का प्रयोजन, शुक उत्पत्ति कैसे हुई, व्यास अवतार, संक्षिप्त महाभारत की कथा, सूत शौनक संवाद, भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म त्याग और कृष्ण द्वारिका गमन, युधिष्ठर वैराग्य, पांडवों का हिमालय गमन, परीक्षित जन्म, श्रमिक और कलयुग को दंड आदि कहानियां जो हैं इसमें संकलित हैं या आती हैं। द्वितीय स्कंद में सृष्टि उत्पत्ति, विराट पुरुष का वर्णन, 24 अवतारों की कथा बताई गई है। अगर आप कहें तो मैं 24 अवतारों के नाम जो भागवत में जो कहे गए हैं उसके अनुसार, सनकादि, पृथु, वराह, यज्ञ या सुयज्ञ, कपिल, दत्तात्रेय, नर नारायण, ऋषभ देव, हयग्रीव, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, गजेंद्र मोक्षदाता, नरसिंह,
वामन हंस पति, राम वेदव्यास नारद, कृष्ण वेंकटेश्वर और कल्कि, ये सभी नाम 24 अवतारों के अंतर्गत गिने गए हैं। फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति, भागवत 4 श्लोकों की महिमा, इस स्कंद के आरंभ में भक्ति और सत्संग की महिमा, भक्ति साधना, भक्ति को एक साधन के रूप में व्यक्त किया गया है, फिर आत्मज्ञान, भगवान के विराट रूप में भारती का भी यत्किंचित उल्लेख हमें दिखाई पड़ता है। फिर तृतीय स्कंद में जो है वो उद्धव विदुर का संवाद है, विदुर को मैत्रेय द्वारा बताए गए की प्राप्ति, फिर सप्त ऋषियों और 4 मनुष्यों की उत्पत्ति जिसमें ब्रह्मा को जो ब्रह्मा की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं कि वे ब्रह्म से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, फिर ब्रह्मा के 2 भाग हुए, एक पुरुष और एक स्वयंभू मनु का और एक भाग है शत्रुपा का, और कहते हैं कि सप्त चरु तीर्थ के पास वितस्तता नदी की शाखा देवी का नदी के तट पर मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई है, और वहां से हमें पता चलता है कि देवासुर का जन्म कैसे हुआ। फिर 12 अवतारों का वर्णन है, कर्दम देवहूति की कपिल मुनि अवतार, देवहूति का कपिल मुनि से भक्ति संबंधी प्रश्न, भक्ति महिमा, देवहूति हरिपद प्राप्ति की बात कही गई है। फिर चतुर्थ स्कंद में हम देखते हैं कि सप्त ऋषियों का उनका वो किस तरह से ब्रह्म से उनकी उत्पत्ति हुई उसके बारे में है। फिर चतुर्थ स्कंद में हम देखते हैं कि यज्ञ पुरुष अवतार, पार्वती विवाह, ध्रुव कथा, पृथु अवतार और पुरंजन आख्यान आते हैं। पंचम स्कंद में ऋषभ देव अवतार है, जड़ भरत की कथा है और राहुगण संवाद है। षष्ठम स्कंद में अजामिल उद्धार, बृहस्पति अवतार का कथन, वृत्तासुर व्रत, इंद्र का सिंहासन से च्युत होना, गुरु महिमा और गुरु कृपा से इंद्र को पुनः सिंहासन प्राप्ति की बात कही गई है। सप्तम स्कंद में यदि हम देखें तो सप्तम स्कंद में जो है वो केवल और केवल नरसिंह अवतार का वर्णन है। फिर अष्टम स्कंद में हम देखते हैं गजेंद्र मोक्ष, पूर्मावतार, समुद्र मंथन, विष्णु भगवान का मोहिनी रूप धारण, वामन और मत्स्य अवतारों का वर्णन है। नवम स्कंद में हम देखते हैं कि पुरुर्वा और उर्वशी की कथा है, चमन ऋषि की कथा है, हलधर विवाह, राजा अम्बरीश और सौभीर ऋषि का उपाख्यान, गंगा आगमन, परशुराम और श्रीराम का और अहिल्या उद्धार की प्रसंग है। दशम स्कंद में जरा विस्तार से यदि देखना है तो दशम स्कंद के 2 भाग हैं, एक पूर्वार्थ कहा जाता है और एक उत्तरार्थ है। वैसे तो इसमें अनेक कहानियां जो हैं उसमें इसमें रखी गई हैं, परंतु इन सभी पर का केवल मैंने यहाँ पर क्या सिर्फ नाम लिया है, जिसमें कृष्ण के पैदा होने से लेकर उनका नामकरण संस्कार है, गोचारण है, फिर उनके जो झूला झुलाते हैं तो उस समय का जो वर्णन है, फिर कृष्ण का मथुरा चले जाने का वर्णन है, वसुदेवता देवकी के बारे में, माखन चोर और फिर माटी भक्षण जो उनका बहुत ही प्रिय प्रसंग, जहाँ पर सूरदास ने बालक कृष्ण के शैशव अवस्था से लेकर उन्होंने पौगंड अवस्था तक का वर्णन किया है, परंतु इसमें उन्होंने श्री कृष्ण का जो नक्षिक वर्णन किया है वो अत्यधिक सुंदर और चित्रात्मक शैली में उन्होंने बद्ध करने का प्रयास किया है। जो एक बार पढ़ लेता है उसको उसकी स्मृति जो है वो कभी उसके पटल से जा नहीं सकती है। और फिर अगर हम उत्तरार्ध में आते हैं, दशम स्कंद के उत्तरार्ध में, तो लगता है कि जैसे अब कृष्ण जो है वो बड़े हो गए हैं और द्वारका चले गए हैं, अब उनके पास एक राजपाट है जिसका
उन्हें ईमानदारी के साथ पालन करना है, और उसी समय उनका रुक्मिणी के साथ उनका विवाह, फिर प्रद्युम्न का विवाह, अनिरुद्ध का विवाह, इस तरह से चलते चलते बहुत से प्रसंगों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। सुदामा भी यहाँ पर फिर वापस चले आते हैं अपने दोस्त के पास, और यशोदा का पुनः जब गोपियों के साथ उनका मिलन होता है उस समय की यादें जो है वो चिरस्मरणीय हैं। और एकादश स्कंद में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण का उद्धव को बद्री का आश्रम ले जाना, और फिर नारायण तथा हंस अवतार की जो कथाएं हैं, ये सारी कथाएं हमें एकादश स्कंद में दिखाई पड़ती हैं। और फिर जो द्वादश या अंतिम स्कंद हम कहेंगे वो है जिसमें बुद्ध अवतार की बात है, फिर राजा परीक्षित है, जन्म जय की कथा है, और भगवत अवतारों का वर्णन बहुत ही विस्तार के साथ किया गया है। और एक जगह पे ये भी कहा गया है कि प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण सब है अंश गोपाल। तो ऐसा माना जाता है कि गोपाल यानी हमारे कृष्ण सभी देवताओं में सबसे अग्रणी आगे हैं, और बाकी सभी जो देवता हैं वो उनके अंश हैं। तो मोटे रूप से देखा जाए तो सूर सागर में हमें निर्गुण और सगुण ब्रह्म की आराधना भी दिखाई पड़ती है, ब्रह्म के प्रति अपनी भक्ति भावना को भी वो उजागर करते हैं, फिर माया जीव और मोक्ष की प्राप्ति की भी बात कही गई है, और बालक कृष्ण के शैशव से लेकर पौगंड अवस्था तक का वर्णन है, नक्षिक वर्णन है, और बालक कृष्ण की अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन है जो जिनको पढ़ते समय या जिनका हम जब पठन करते हैं तो वे आज भी हमारी आंखों के सामने हिलते हुए से प्रतीत होते हैं। और जब हम अपने अपने बच्चों को मानव के जैसे कहते हैं ना कि मानव बच्चों को जब हम देखते हैं तो सूरदास के जो श्री कृष्ण का जो वर्णन उन्होंने किया वो सारा वर्णन जो है वो हमें यहाँ पर याद हो आता है। तो आप सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद एवं पुनः प्रणाम।